नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस बार राग दुर्गा का आलाप और उसका परिचय लेकर। राग दुर्गा बहुत ही धीर गंभीर और शांत प्रकृति का राग है। जब आपके मन को बहुत ही शांति की जरूरत है तब आधी रात को ये राग बजाएंगे, बहुत ही मन को शांति मिलेगी। ये बिलावल थाट का पांच स्वरों वाला यानी ओडव ओडव जाति का राग है। इसमें ग और नी दोनों वर्जित है, यानी कि इस राग में सिर्फ सा रे म प ध सा और सा ध प म रे सा, जैसे भोपाली में सारे ग पद सा लगता है और इसमें सारे म पद सा लगता है। भोपाली में म नी वर्जित है तो इसमें ग नी वर्जित है। ये राग के दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला राग है और इसका वादी स्वर है दैवत और समवादी स्वर है ऋषभ। तो इसका आरोह अवरोह है। अभी हम इसका थोड़ा आलाप करेंगे, एक एक करके आलाप में आपको नोटेशन के साथ गाकर और फ्लूट पे बजाकर बताऊंगा, ताकि आप अगर चाहें तो कॉपी करके इसको सीख सकें। इसका आलाप सीखने जैसा है, बहुत ही बढ़िया है, तो आप जरूर से कोशिश करिएगा। देखते हैं आलाप राग दुर्गा।
नंबर चार।
म प द सा रे म रे म सा रे प म रे रे म रे सा रे सा द प द प म रे रे म प द द म के नियमों का और आलाप के जो नियम हो, मैंने पहले 13 नियम बताए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको और भी एक्सटेंड करके आप कितना भी आलाप बजाना चाहे आराम से बजा सकते हैं। आप ये आलाप जरूर से बजाइएगा, कैसा लगा ये हमें बताइएगा, तो हम और भी नया कुछ करने का प्रयत्न करते रहेंगे आपके लिए। तो आपने ये दुर्गा का आलाप देखा और मेरे और भी कई वीडियो आपने सबने सराहे, इसके लिए सब आप सबका धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और मैं आपका चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।